हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6। आम या आगर पांचटा क्लास पढ़ते हैं आटमिक स्ट्रक्चर पांचटा क्लास पढ़ते बोले प्रीवियस क्लास किसी कौन जे एग्जांपल करते हैं किसी प्रॉब्लम करते तो प्रीवियस क्लास आम कौ जाए होता बिले तो होता आम रदरफोर्ड का आटमिक मॉडल जाए है नेल्स बोर आटमिक मॉडल आम पढ़ी नथिले बिले है नेल बोर आटमिक मॉडल कहीं दरकार पड़ा है बोले कहीं किसी जिन एक्सप्लेन कर पारे ना से कहले तो रदरफोर्ड कौन कहते सेन्टर न्यूक्लियस अच्छे तो चार गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छे है बोले से गोटे फिक्स्ड पाथ रे घूरते से ऑर्बिट बोली कही देते हैं बोले बट से जो एनर्जी को लेके तो एपट सेपट होता से कि जिनसे एक्सप्लेन कर पार ना जमी आटमिक स्पेक्ट्रा है बोले तो यह सब प्रॉब्लम सृष्टि तेणुक तो देखा नील बोर आटमिक मॉडल दरकार कौन है कहीं से आसला मॉडलटा है बोले देख केमती ये रदरफोर्ड आटमिक मॉडल की जिनसे बुझे पारानी से जिनस एक्सप्लेन करने रदरफोर्ड आटमिक मॉडल आसला है बोले तो आम जानू पार्टिकल गुड़ाक दुईटा नेचर अच्छे है डुआल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा है प्रायत लाइट दुईटा नेचर अच्छे बोले गोटे अच्छे वेव नेचर अच्छे आ गए अच्छे पार्टिकल नेचर है तो मैं आज जाए पढ़ते लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रावेल करें तो एथर तुम पढ़व ये वेव मोशन रे ट्रावेल करें बोले तो ये जिनस आम देखा प्रीवियस क्लास जहाँ डिस्कशन कले तो एगुड़ा पढ़े आम जाणीदा कहीं बोर्स आटमिक मॉडल दरकार है बोले जान लें सी कौन जे जो पार्टिकल नेचर आटमिक स्पेक्ट्रा एगुटा आसव है बोले ये जिनस आमको एक्सप्लेन कर तो लाइट्र बोथ कौन अच्छे बोले तो वेव नेचर अच्छे पार्टिकल नेचर अच्छे है बोले तो वेव नेचर देख बोले ये जो डुआल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बोले जहाँ कहुए तो गोटे अच्छे पार्टिकल नेचर आ गए हूँ वेव नेचर तो फर्स्ट टाइम वेव नेचर पढ़ा है बोले वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहाँ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोली पढ़ा जाए बोले तो देख ये थ्योरी किए देते दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864 है बोले द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स दैट मीन्स हीटेड रॉड और फिलामेंट ऑफ बल्ब when passes electric current continuously in the form of radiation and is called radiant energy hela bile e jinsak ma athu tum ko dekho yedi gote garam loha rod ba kichi metal rod ache seti jeta garam kal dekhio bile tumhe pray to mark karithibo jote ki loha ko garam kal se red he jae hela bile red hela kon je se heat energy provide karthibo hela to red el se light bi douchi bile hela लुहा रोडटा जो गरम हम से लाइट भी किसी प्रोवाइड कर हिट भी दौर से जो एनर्जी बाहर पिले है सी हूँ रेडिएंट एनर्जी कहे और तुम देखी थो दो 10 टंकिया ये जो 100 वाट बल्ब गुड़ाक पिले से फिलामेंट लगी था जोड़े से फिलामेंट जोड़े पिले कौन हम सी किसी एनर्जी दब है किसी देखी थो 10 टंकिया बल्ब जो लाइट गुड़ा आस प्राय गरम लगे कहीं गरम लगे कहीं जो रेडिएशन बाहर हिट रेडिएशन गुड़ा सेगुटा है पिले बा तो मार्क कर गुपचुप खाइले बेले के देखी थो पे ये जो प्रायत से कौन कर गुपचुप से डबा भितर गोटे 10 टंकिया बल्ब गोटे लगे से सी एलईडी लगाते ना 10 टंकिया ये फिलामेंट थी बल्बटे लगे दिखते कहीं ना से हीट एनर्जी दब से लाइटा दब बोले हीट अच्छे है तो ये जान लगे द एनर्जी एमिटेड फ्रम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी है बोले तो गरम लुहा रोड तो जो लाइट तुम पाइब है से जो रेडिएशन बाहर बोले कह रेडिएंट एनर्जी क्या से एनर्जी रे लाइट भी अच्छे आउ कौन अच्छे बोले ये जो हीट एनर्जी भी सीटी अच्छे तो सीटा हूँ रेडिएंट एनर्जी बोली कहवा यदि ये जो एनर्जी सोर्स बा एमिट हो जो हीट एनर्जी एमिट हो पे कहीं ये जो रेडिएशन लगे नेक्स्ट जो बोले द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन है बोले तो यार अर्थ हो बोले द फर्स्ट मत कौन लास्ट रो मीनिंग कह दूँ जिते बड़े कि ये हूँ प्रोपगेशन बोले माने पास हो किए पास हो बोले ये जो रेडिएशन या दे पास हो तो देखा जिते बड़े रेडिएशन पास हो रेडिएशन पाखे दुईटा अच्छे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे मैग्नेटिक फील्ड अच्छे है बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ मैग्नेटिक फील्ड परस्पर को परपेंडिकुलर है बोले परस्पर को परपेंडिकुलर है बोले तो परपेंडिकुलर टू इच अदर मीन्स देख
ए देखो ए जो सिस्टम टाइम कले ये हो देखो बिले ए जो ब्लैक ला ए जो ब्लैक इंग देखो ए ब्लैक मार्कर टा या को परपेंडिकुलर ए या को परपेंडिकुलर बिले तो दुहे दुहे को परपेंडिकुलर अछ ता माने म्यूचुअल परपेंडिकुलर तो सेम देखो ए जो ब्लैक कलर लाइन टा सपोज एमते अछ रे ये हला आ मु तो एटा सपोर्ट नै पारिबे ने बट एपोर्ट देखि पारि देखो हला ना देखो ब्लू कलर लाइन टा हला ब्लू कलर मार्कर एपोर्ट रहला ता माने देखो तो एमान भितर गोटे 90 डिग्री एंगल शिफ्ट होती है परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है बोले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ मैग्नेटिक फील्ड तो एमाने म्यूचुअल परपेंडिकुलर अच्छा है बोले तो देखो जेहेतु ये गोटे 3D स्ट्रक्चर ताको देखा टी अड तेणुक आपको मुझे एम प्रकार देखे बोले तो मुझे ये अड लगे बट एमाने म्यूचुअल परपेंडिकुलर अच्छा है बोले आ दुई जन जाक ये लाइन को ये हूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट प्रोपगेशन मीन्स जो पास कर गति करवाटा है तो डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये पास करें प्रोपगेट करें बट ट्रावल करें तो ये लाइन को दुई जन जाक परपेंडिकुलर मैंने 90 डिग्री थे परपेंडिकुलर मैंने तुम जानदेव बोले 90 डिग्री अच्छे से ट्रावेल्स विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट है बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये रेडिएशन गुड़ा पे प्रायत तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितकी रेडिएशन अच्छे बोले लाइट रो स्पीड रे ट्रावल करते हैं तो केते बोले प्रायत तो स्पेस रे माने ये जो लाइट रो स्पीड रे ट्रावल करते बोले जिते बोले कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये माने कौन करते बोले लाइट रो स्पीड रे ट्रावल करेंगे तो लाइट रो स्पीड केते बोले बा लाइट रो वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है बोले ये हूँ लाइट रो वेलोसिटी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो वेलोसिटी लाइट रो वेलोसिटी सहित सामान है ये मन रख तुम जब जानी थो गोटे जिनस एनी रेडिएशन जदि भिक्यून बा स्पेस रे ट्रैवल करछे से लाइट रो वेलोसिटी रे ही ट्रैवल करिवो जो है बोले जे एत सब प्रॉपर्टी एत सब कैरेक्टर जे देखे बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहवा आम है कैरेक्टरिस्टिक जे देख इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट करेंगे मैंने ट्रावेल करने कौन सी मीडियम दरकार ना था से भेक्यून में जापर शून्य भी जापर पे आम जानचु एर्थ रही अच्छे बाहर आना है कि ट्रावेल करुचे पे तो ये देख लाइट आओ आमर साउंड पे एयर मीडियम ट्रावेल कर पार्चे इजिली कहीं ना एर अच्छे बट जितेबाला आम आउटसाइड अफ एर्थ जावा से कौन थी से नो एयर एयर नहीं पे शून्य अच्छे से बुझीपालना तो सीटी लाइट के ट्रावेल कर तो सीट तो ट्रावेल करूनि तो सेत पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुड़ाक है ये लाइट स्पीड में ट्रावेल करेंगे एम कौन मीडियम दरकार ना देख बोले गोटे एग्जांपल सन रो एर्थ को सनलाइट आला तो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन तुम आगर पढ़ी चो ये जो हीट लाइट जो टेम्परेचर जो ट्रावेल करने ट्रांसफर पर कंडक्शन मेथड है बोले आ गए कंडक्शन इंडक्शन आ कौन थी रेडिएशन थी नहीं पे रेडिएशन मेथडटा है तो रेडिएशन रो मेथड रे कौन हम सन टू एर्थ को लाइट आसपिले है ना तो सन रे गुड़ाक तो सी ट्रावेल कर जो स्पेस रे देन एर्थ को आसब है तो ये लाइट रो स्पीड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हिसाब से आसी पे तो लाइट रेडिएशन गुड़ाक ये सन रो जो रेडिएशन गुड़ा आ तो हीट रेडिएशन गुड़ा पे तो बिना मीडियम चली आस रीजन हो कहीं ना ये जो रेडिएशन गुड़ाक वैक्यूम ट्रावेल करने कौन सी मीडियम दरकार ना ये जिनस जाणि थाओ तुम तो नेक्स्ट देखा बोले आ कि वेब देखा एवं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब्स है बोले तो आम वेब विषय पढ़ू ए तो यार किसी कैरेक्टरिस्टिक देखदेब है बोले तो ये देख हूँ वेब गोटे है देख वेब एमती पास करे है बोले ये हूँ तार डायरेक्शन देखो वेब ये हूँ वेब रो मोशन है बोले तो देख ये कह आम क्रेस्ट ए डेप्थ को कह आम ट्राव बोली है बोले तो ये हूँ गोटे वेब रो रिप्रेजेंटेशन है बोले तो यार गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक देखा बोले फर्स्ट देख यार वेब लेंथ को आम डिनोट कर लामडा बोली ए सिंबल है यार डेफिनेशन कौन इट इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजुकेटिव क्रेस्ट और ट्राव
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लामडा है बोले सिम्बल कह लामडा है तुम कौन जानले बोले तो वेवलेंथ मान हूँ एनी टू कंजुक्यूटिव क्रेस्ट कंजुक्यूटिव मान पाखापाखी है बोले ए दुईटा क्रेस्ट भितर डिस्टेंस को लामडा कहीपर दुईटा ट्राउ भितर डिस्टेंस को आम लामडा कहीपर लामडा मान हूँ वेव लेंथ है बोले तो या सब ए प्रकार तुम डिनोट कर लिखाई जो जानदेव ये हूँ वेव लेंथ है बोले तो वेव लेंथ को कमी रिप्रिंट कर जान लें या कौन कौन यूनिट दि जाए बोले है आम यूनिट लिखा आपको यूनिट कौन हम देख प्रायत आपको एंगस्ट्रम प्रकाश करा जाए एंगस्ट्रम मान हूँ 10^-10 मीटर तुम जो नानोमीटर लिख 1 नानोमीटर एनएम मान हूँ 10^-9 मीटर है नानो मान हूँ बोले 10^-9 ये छोट यूनिट आज जो पिकोमीटर 1 PM पिकोमीटर मान 10^-12 मीटर है बोले तो ताने तुमको जेकोसी गोटे देखिए तुम कन्वर्ट कर लिखिपार है मीटर को आनीद कहीं स्टैंडार्ड फर्म था आमर मीटरटा तो मीटर को आणिके बाकी सब कर बोले तो कहीं मीटर को आणव तुम जाणीज ये धीरे धीरे जाणीज तो देख ये फ्रिक्वेन्सी है बोले फ्रिक्वेन्सी मान कौन आ डेफिनेशन फिर जाना है बोले जहाँ आम ये भी भाया लिखुचु बट भी बोली आम कहानी फ्रिक्वेन्सी को ये न्यू बोली पढ़ा लाइक इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू है बोले देख भी भाया लिख बट न्यू बोले कह तो आपको कह फ्रिक्वेन्सी है आधे डेफिनेशन कर देख नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड है बोले देख सपोज मुझे गोटे कौन करुच्चे पॉइंट कर दूसरी बिले तो वेवटा पास करवा देख वेव या पास कर तो नंबर ऑफ वेव ए पॉइंट को गोटे पार्टिकुलर पॉइंट को पास करुच्चा ए पार्टिकुलर पॉइंट को पास करते 1 सेकेंड्रे के वेव पास कला 1 सेकेंड्रे ए पार्टिकुलर पॉइंट को सी हो तुम फ्रिक्वेन्सी है बोले ए पॉइंट को 1 सेकेंड्रे जितेटा वेव पास कला ताक ही कह जाए फ्रिक्वेन्सी आउ किसी नुह पिले है कन्फ्यूजन हमार कौन आवश्यकता नहीं है तुमको सी देखेदेली है बोले तो यार ठूँ भल रिप्रेजेंट आ कौन हो पार तो तुम क्लीयरली बुझाई थे ये बोले बट यार सिंबल जानव है न्यू लिख कमी देख ए लिखिदेव है ना एमती लिखा जाए पढ़ कौन न्यू बोली है बोले भी बोले कहीदेव नहीं भि वेलोसिटी हिसाब से अलग निचे तो तेणुक आपको न्यू बोली पढ़ फ्रिक्वेन्सी है बोले नेक्स्ट जी आम एम्प्लीच्यूड है बोले तो एम्प्लीच्यूड को आम ए भाई रिप्रेजेंट करुचु है बोले तो एम्प्लीच्यूड मान कौन देख बोले तो ये समस्त देख अभी एम्प्लीच्यूड मान हूँ हाइट ऑफ क्रेस्ट है ऊपर गली ये हूँ क्रेस्ट ये हूँ प्रोपागेशन रो लाइन टा है या या डायरेक्शन पास कर तो यू है बोले ए हाइट कह आम ए हाइट कह आम ए बोली ए मान हूँ एम्प्लीच्यूड आम कह हाइट ऑफ क्रेस्ट को एम्प्लीच्यूड कहींपर और डेप्थ देख डेप्थ ऑफ ट्राउ है बोले डेप्थ ऑफ ट्राउ को आम कौन कहींपर एम्प्लीच्यूड बोली देख मुझे ए लिखे ए लिखे ताने तुम डिफेन के एम्प्लीच्यूड मे बी डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्राउ है बोले तो एम्प्लीच्यूड काम गला है बोले जेहेतु एम्प्लीच्यूड को आम ए बोले रिप्रेजेंट करुच है आपको यूनिट लेंथ रे तुम एक्सप्रेस कर एक्सप्रेस कर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जमीती भी बट स्टैंडार्डटा आम नवा ये मीटर पीले है ना तो है यहाँ देन जी आम वेब नंबर है वेब नंबर पीले छोट जिनसटा गोटे कन्फ्यूजन करदेव तो तुम आगे मन रख मन रखार सिंपल हूँ रिलेट करिबा हला तो नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ है पिले तो वेव नंबर हूँ गोटे सेंटीमीटर लेंथ भितर पिले केतेटा वेव अच्छे से आम वेव नंबर इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ है पिले देख तो वेव लेंथ रेसिप्रोकल माने 1 बाय करदेव है
तो वेब नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा हेला बोले ए जिनस को आम भल भाव मन रखा आम प्रॉब्लम प्रैक्टिस में बहुत हेल्प कर पे तो देख तुम्हें लिखिल फ्रिक्वेन्सी लिखल बोले यहाँ अभी ऊपर बार लिखिदेव न्यू बार हेले ये हम वेब नंबर हेला बोले तो न्यू बार अलग पे न्यू मान हूँ फ्रिक्वेन्सी हेला बोले न्यू बार मान हूँ वेब नंबर तो वेब नंबर आउ लाउडा इतने रिलेसन अच्छे न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लाउडा मैंने रेसिप्रोकल मैंने तार उल्टा पे है तो तुम्हें जो लाउडा जान तार नंबर ऑफ वेब काट दे पार है वेब नंबर काट दे पार तो यार यूनिट पे देख आम लाउडा सेंटीमीटर है एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर ऐसे यूज कले तार रेसिप्रोकल होते यूनिट मध्ये रेसिप्रोकल हो पे कहीं लाउडा 1 बाय अच्छे तेणुक लामडार यूनिट एटा से रेसिप्रोकल करदेव है पे पावर माइनस वन मान से तले अच्छे जानदेव है पे देन जी आम पीरियड को है पे पीरियड को देख मुझा ओल्टा जे रिप्रेजेंट कर तो मैंने जे तो जान थो पे बट मुझे तो लिखी ना ओल्टा जे लिखी है तो ओल्टा जे लिखी ये हूँ तुम टाउ बोली कहना को है ना टर्क्र येटा तो आम तो टर्क आस फिजिक्स आसा है बोले तो ये जो आम पीरियड हिसाब से ये सिंबल है ये सिंबल को आम टाउ बोली कहवा है बोले तो ये सिंबल ना हूँ टाउ टाइम टेकन फॉर वन वेब टू पास थ्रो ए पॉइंट दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड है टाइम पीरियड मान कौन पे देख सेम थिंग पे तो गोटे वेब है ना हाँ देख बोले ये हूँ गोटे वेब है क्रेस्ट गोटे ट्रावट अच्छे है ना तो ये हूँ गोटे वेब गोटे गोटे पॉइंट को है बोले गोटे पॉइंट को गोटे वेब पास करने जी टाइम लगे टाइम पीरियड को आ जाए है बोले ए पॉइंट को ए यहाँ जी पास कर पास कर देख ये पॉइंट अच्छे तो वेबटा पास कर पलब है आस पॉइंट को अलरेडी पास करदे देख ये जो स्टार्ट कर एंड है से पास कर पड़ेगा तो मैंने से गोटे वेब गोटे पॉइंट को पास करने जी टाइम लगे पीरियड बोली कह जाए पे है पीरियड आउ आमर फ्रिक्वेन्सी भितर लिंक कौन अच्छी पे सिंपल लिंक हूँ तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेन्सी है फ्रिक्वेन्सी रेसिप्रोकल अरे रेसिप्रोकल जिनसा देख आम जापर बोले देख फ्रिक्वेन्सी कौन कला जे नंबर ऑफ वेब पासिंग थ्रू 1 पॉइंट इन 1 सेकेंड 1 सेकेंड रे केते वेब गोटे पॉइंट को पास कर पार्जे सी हूँ फ्रिक्वेन्सी ये कौन कहला गोटे वेब पास हम गोटे पॉइंट को है केते टाइम रे सी हूँ तुम पीरियड ताने कनसेप्ट ना तेणुक देख सी तेणुक टाउ इज इक्वल टू 1 बाय न्यू माने फ्रिक्वेन्सी तार रेसिप्रोकल पे है ना तो ये आम टाइम पीरियड तो एवे जीवा पिले एवे जीवा देख एवे तुम कौन लाइट रो वेलोसिटी है वेलोसिटी पढ़ा पे लाइट रो वेलोसिटी तो लाइट रो वेलोसिटी को आम कौन बोले रिप्रेजेंट करुचु इरेज कर दो एटा देखो वेलोसिटी जाम देखा बोले ये तो वेलोसिटी लिखुच पे कह रमें लाइट उपर पढ़ु लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मान लाइट सहित लिंक अच्छे तेणुक ये लाइट वेलोसिटी आस पे आपको रिप्रेजेंट करवा आम सी बोलिकी है सी बोलिकी है बोले तो यार डिफरेंस तो कौन हो पार है वेलोसिटी वेलोसिटी में जानचु 1 सेकेंड रे केते लिनियर डिस्टेंस कवर है पे लिनियर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी है पे ये तो हम लाइट उपर पढ़ु पे लाइट वेलोसिटी सिंबल यूज करवा सी है पे आम जानस तो लाइट वेलोसिटी केते पे 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड है पे
तो ये तुम किलोमीटर लिख 3 लक्ष किलोमीटर पर सेकेंड रे जीव ये लाइट स्पीड ये पे तो या जाना एम रिलेसन देखा ना पे तो रिलेसन कौन क्या क्या भितर रिलेसन लाइट वेलोसिटी है पे वेलोसिटी लाइट रो वेलोसिटी आ कार फ्रीक्वेंसी आ का भितर आओ वेवलेंथ मैंने गोटे रिलेसन आसपे तो रिलेसन कौन आसी सी इज इक्वल टू लामडा इंटू न्यू है पे तो सी इज इक्वल टू लामडा इंटू न्यू ताने ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू लामडा इंटू न्यू ये हूँ फॉर्मूलाटा पे तो या मन रख तुम जब पचार तुम जान लगे तो मुझे लामडा ए प्रोब्लम जो करवा तुमको लाइट वेलोसिटी दे न तुमको दे थोड़ा बोले देख तुमको लामडा दे थ पचार तुमको ये जो फ्रिक्वेन्सी पचार कार सी कौट भी मेनसन कर कहीं स्टाडार्डटा ना जानवा कथा यहाँ तेणुक सी कन्स्टाटा कन्स्टाट गुटा के मेनसन कले कर ना इच्छा पे और आम आग लिखा बोले तुम जब फ्रिक्वेन्सी पचार तुम्हें सी बाय लामडा कर आंसर बाहर कर दे पार देख बोले लाइट रो वेव नेचर देखा तुमको कहली जमी वेव नेचर अच्छी है तो वेव नेचर अच्छी आम से वेव हिसाब से ट्रावेल कर जान लो वेव नेचर अच्छी बोल कि कन्फर्म हवा जो कि स्पेक्ट्रम मैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखे तो यार वेव नेचर अच्छी आम जान लगे तो देखा वेव नेचर अच्छी ये आउ गए तार देख बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जावा आगे किसी एरो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुड़ा विषय में किसी पढ़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ ला बोले देख जो कॉस्मिक रे देन गामा रेस एक्स रेस यूवी रेस अल्ट्रावायलेट रेस विजिबल मैंने जो विजिबल लाइट गुडा जो इलेक्ट्रिसिटी रेडिएशन जो व्हाइट लाइट गुडा सन लाइट गुडा जो विजिबल रीजन जीव विजिबल रेडिएशन गुडा इन्फ्रारेड लगे माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स है सब डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुडा है तो मैंने देखिए बेकरी गुडाक जो पक तैयारी करते केक् तैयारी करते कमी से जो ओवन तैयारी करते हैं ओवन में कौन जे से फ्यूल यूज करते इलेक्ट्रिक करंट यूज करते इलेक्ट्रिक करंट यूज कले जो गोटे मेटर हिट हम हिट जो रेडिएशन बाहर तुम कह लुहार गरम करम कले तुमको रेडिएशन दब हिट है सेमती तुम जो इलेक्ट्रिक करंट साहब से ओवन में किसी गोटे मेटाल थी गरम करके रेडिएशन बाहर फिर जो इनफ्रारेड गुडा रेडिएशन बाहर से रेडिएशन गुडा हिट थी से हिट लगे कौन हम जो आम कार्यटा से सफल जहाँ भी गरम कर आउट ऑफ एर्थ माने स्पेस रे पाइबा कॉस्मिक रे गुडा हला गामा रे हम डिफरेंट रिएक्शन मथे पाइ परबा एक्स रे हम पढ़थिले ना एक्स रे तो मन पके दिलो कैथोड रे पढ़थिले लगले तो मेटल कौन करो कैथोड रे गुडा पके दो लगले से एक्स रे जनरेट करले एटा आगु यूज होतला हला ओटा मेटल प्लेट रे तुम कौन करो कैथोड रे गुडा हला कि कैथोड तुम जदि बम्बारमेंट करो जो जा आसीबो ये हो एक्सरे आसने लगे कैथोड गुड़ा तुम जो नहीं गोटे मेटाल पकईद बम्बार करते एक्सरे जेनेट कर एक्सरे गुड़ाक यूज कराला है तो यार एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो गला मैंने आपको बेटर यूज कराइए आजकल एक्सरे कम कर तो एक्सरे जान जो एक्सरे गुड़ाक प्रायत ये बोन फ्राक्चर गुड़ा देखते यूज कर बहुत गुड़ा जगह यूज करते
ଆଉ ଅଲଟ୍ରା ଭାଇଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଅଲଟ୍ରା ଭାଇଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର କେଉଁଠି ଯେ ସନ୍ ଲେୟର୍ ହେଲା, ସନ୍ରୁ ଯାହା ଆସେ ଅଲଟ୍ରା ଭାଇଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସେଇଟା ଖାଲି ସେଇଠି ନାହିଁ, ଏଠାରେ ବି ଅଛି ରଡ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ଟା, ଭିଜିବୁଲ୍ ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ରେଡିଏସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବୋଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ରେଡ୍ କଲର୍ ଏ କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ଯେ ଭିଜିବୁଲ୍ ଭିଜନ୍ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ତୁମେ କହିଲି ଯେଉଁଟା ହିଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋଓଭେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡିଓ ୱେଭ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ବି ଦେଖ ତ ଇନକ୍ରିଜିଂ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥର ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଯାଇଛି ତାମାନେ ଏହାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ସବୁ କ'ଣ ସବୁଠୁ ରେଡିଓ ୱେଭ୍ର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଅଧିକା ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ବୋଲି ରିଲେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଉ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଭିତରେ ଦେଖ ତାମାନେ ଏଇ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଅଛି ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜିଂ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ହେଲା ବୋଲି ତ ଦେଖ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଉ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଭିତରେ ଯଦି ଇନଭର୍ସଲେସନ୍ ଅଛି ତାମାନେ ୟା ଯଦି ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ସବୁଠୁ କମ୍ ହବ ତାମାନେ ୟାର ଏ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସବୁଠୁ ହାଇ ହବ ହେଲା ବୋଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହାଇ ହବ ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ହେଲା ନା ଯାହାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ କମ୍ ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକା ହବ ଏବଂ କସ୍ମିକ୍ ଲେୟର୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକା ୟାର ଯାହାଠୁ କମ୍ ତାର ଆଠୁ କମ୍ ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଅଛି ବୋଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ ନ୍ୟୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଲାମ୍ଡା ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛି ହେଲା ନା ଏନର୍ଜି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ବୋଲେ କସ୍ମିକରେ ଆଉ ରେଡିଓରେ କାହାର ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ହେଲା ନା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ବୋଲେ ଯାହାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଛୋଟ ହେଲା ତାହାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକା ହବ ଜାଣିବା ହେଲା ବୋଲି ଦେଖ ଯାହାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଛୋଟ ବୋଲେ ତାହାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ'ଣ ହବ ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ଆସିବ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଯାହାର ଛୋଟ ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ଯାହାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଅଧିକା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମିଯିବ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ କମିଲେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢିବ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ବଢିଲେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମିଯିବ ହେଲା ବି ତ ତାମାନେ ୟାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ କମ୍ ତାମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକା ହବ ହେଲା ବି ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକା ହବ ଏ ରିଲେସନ୍ ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଠୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ରିଲେସନ୍ ଦେଖେଇଲେ ଏମାନେ ରିଲେସନ୍ ଅଧିକ ହେଲା ବି ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଉ ଏନର୍ଜି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଥିଲେ ଯାହାର ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ଆସିବ ବୋଲି ବା ଏମିତି କହିପାରିବ ଯାହାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ତାର ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ରହିବ ହେଲା ବୋଲି ବା ଜଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ରେଡିଏସନ୍ର ତାମାନେ ଅଲଟିମେଟଲି ତା ପାଖରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହାଇ ଅଛି ବା ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଦେବ ହେଲା ବୋଲି ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ଅଛି ତାର ଏନର୍ଜି ହାଇ ବୋଲି ଜାଣିବ ହେଲା ବୋଲି ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ଅଛି ତାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ କମିଯିବ ହେଲା କି ଯଦି ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ବଢିବ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମିବ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମିଲେ ଏନର୍ଜି କମିଯିବ ହେଲା ବୋଲି ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଉ ଏନର୍ଜି ସେମ୍ ଲେବଲ୍ ଯାଇ ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ତାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ କାମ କରିବ ହେଲା ନା ମନେ ରଖିଲ ଯାହାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ହାଇ ତ କସ୍ମିକ୍ ରେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠୁ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଗଲା ହେଲା ବୋଲି ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ବିଟୱିନ୍ ଗାମା ରେ ଆଉ ଏକ୍ସ ରେ ତ କାହାର ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ଗାମା ରେ ର ଏନର୍ଜି ଅଧିକ କାହିଁକି ନା ଇଏ ୟାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ହେଲା ନା ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ କମ୍ ଥିଲେ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ଥିଲେ ଏନର୍ଜି ହାଇ ହବ ଆଉ ଏକ୍ସରେ ଏକ୍ସରେ ଯେହେତୁ ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମିଯିବ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ହେଲା ଯେହେତୁ ୟାର ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଇଆଡ଼େ ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମିଯିବ ଏନର୍ଜି କମିଯିବ ହେଲା କି ତ ରେଡିଓ ୱେଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ୱେଭ୍ଲେନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା ନା ତ ଦେଖ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ କରିଛି ଇଏ ହେଉଛି ହର୍ଟ୍ଜ ଏନର୍ଜି ହେଲା କି ହଁ ହର୍ଟ୍ଜଟା ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖ ବୋଲି ହର୍ଟ୍ଜ ତୁମକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏଠି କହିବାଟା ବୁଝାଇଛି ବୋଧେ ହେଲା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପାଇଁ ଦେଖ ବୋଲେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ କଲେ ହର୍ଟ୍ଜ ହେଲା ହର୍ଟ୍ଜ ମାନେ ବୋଲେ ୱାନ୍ ପର୍ ସାଇକଲ୍ ହେଲା ତ ୱାନ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ହେଲା ବା ଆକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ ନେଇଯିବା ହେଲା ବୋଲେ ହର୍ଟ୍ଜ ତ ଟାଇମ୍ ଇନଭର୍ସ ଆସିବ ହେଲା ବୋଲେ ହର୍ଟ୍ଜ ମାନେ ତ ପର୍ ସାଇକଲ୍ ତ ଏ ହର୍ଟ୍ଜ କ'ଣ ଇଏ ମୁଁ ନେଇଛି ବୋଲେ ଲାଣ ନେଇଛି 5 ମିଟର ନେଇଛି ହେଲା ନା ତ 10 ଟେନ୍ ମାଇନସ୍ 16
देखो एटी जीरो आसे रेडियो वेव पाखरे देन 10^8 अछि लॉन्ग वीडियो पाखरे लगे ऊपर एक इंच वाला नहीं चीज 10^24 18 16 देखो बोले एटा हो जे तार फ्रीक्वेंसी और रेंज हम कहले प्रश्न एक रे लागो सब उठा हाई एनर्जी वाला रेडियो वेव देखो हला रेडियो वेव वाला हम रेडियो वेव बड़ा का नाम करे सब मतलब तो बिट्स का काम करो एग्जाम रे या पर बिट्स आसे कार एनर्जी हाई कार एनर्जी कम हला बोले यदि कॉस्मिक रे रो इन बुझा दले कॉस्मिक रे रो वेवलेंथ सब कम रहे हो सब बेस रहे हो हला बोले एते एनर्जी हाई वेवलेंथ कम जीवो कोई दो एमते हम तो कंफ्यूज और किछ चांस नहीं ना तो हम जान तो लो हला बोले तो कॉस्मिक एनर्जी हाई माने वेवलेंथ कम जीवो इमांग एनर्जी लो माने फ्रीक्वेंसी कम रहे हो आओ इमांग वेवलेंथ हाई रहे हो बोले आओ एनर्जी मतलब कम रहे हो हला बोले तो देखियो आगे विजिबल रीजन हला विजिबल रीजन मान जो हम वाइल्ड लाइफ गुडा का सीरीज गुडा हला विजिबल जहां देखबा तो ये ए बोले हम इन्फ्रारेड देखबा हम माइक्रोवेव देखबा हम एफएम ए रेडियो गुडा हम देखबा हला बोले हम यूवी एक्स रे गुडा किसी कॉस्मिक हम देख पाए हम ए गुडा देख पाओ हला बोले ए लाइट गुडा देख पाओ वाइल्ड लाइफ तेन एक विजिबल रीजन बोली बाहर जाए हला बोले देखो इंक्रीजिंग वेवलेंथ हम लिख दे जाको 380 टू 760 भीतर अछि हला बोले नैनोमीटर में ये छै लगे नैनोमीटर मान तो मान छ 10^-9 10^-9 ना मान छ तो 10^-9 मीटर मैं नेम नहीं जे छ मीटर लगे तो देखो विजिबल रीजन कौन कौन छ गिव गिव वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड लगे ना कौन लिख छ इंक्रीजिंग वेवलेंथ लगे तो वेवलेंथ एरर अधिक लगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ जो लिख दे छ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हला बोले तो वायलेट रो वेवलेंथ कम आसीबो हला बोले देन ब्लू ग्रीन तो एउडा देखा इंक्रीजिंग वेवलेंथ आसीला तेबे जान जा तुने तो एडा लैम्डा हाई अछि यार लैम्डा हाई अछि माने फ्रीक्वेंसी कम जीवो एनर्जी कम जीवो तो लैम्डा कम अछि हला बोले लैम्डा कम माने वेवलेंथ कम अछि माने फ्रीक्वेंसी अधिक आसीबो एनर्जी अधिक आसीबो तो वायलेट रो एनर्जी अधिक रहइबो आ रेड रे एनर्जी कंपेरेबल हला बोले वे गियो रे व विजिबल रीजन सब हाई एनर्जी वाला ए के रेडिएशन द होची वायलेट रो हला बोले सब कम एनर्जी वाला के आ रेड हला बोले आ तुम पचारिबो इमानन को भीतर हला बोले सब उठो बेसी वेवलेंथ कार अछि विजिबल रीजन रो हला बोले वेवलेंथ कार अछि एड तुम दे दे जे तुम 700 तुम जानत रेड रो हला एनर्जी कम बजान छ एनर्जी कम तारो लबिले फ्रीक्वेंसी कम आसी फ्रीक्वेंसी कम आसीले तार वेवलेंथ बढ़ जीवो के ना रेड वेवलेंथ बड़ा वायलेट रो वेवलेंथ कम लब तो ई जे बॉडी लबिले तो आपको मन रखिबो लबिले का वायलेट रो तो समस्त इंडिविजुअली मन रखे दरकार नहीं रेन मन तुम्हें रेन मन रखो 382 760 हला केतरा गुगल कौन लोची हला 400 टू 750 दे उची बाय 800 बाय केतरा कौन रन छ ना 400 टू 750 बोली दे उची कोडी 352 हला 800 दे उची कोडी 400 टू 800 बोली दे उची तो रेंज चेक करियो मान एप्रोक्सिमेट रेंज बार हला ना तो कोड देथिबो अलग अलग तुम कंफ्यूजन होबनी यदि सब एग्जैक्ट मन रहतले बेटर हबो एग्जैक्ट 382 760 भीतरे विजिबल रीजन पड़ेगा लगे लैम्डा रे रेंज छ लगे तो फर्स्ट रे बोल दी वायलेट लास्ट को रेड लगे तो जेतु यार लैम्डा रे को एनर्जी अधिक फ्रीक्वेंसी लगे लैम्डा रे के लिए यार बहुत अधिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम थी यार लगे यदि मन रखिबो आ रेंज मन रखिबो रेंज डेफिनेटली मन रखिया बोले पहले काना आसी बैठा हला एमा में भीतर कहां का एनर्जी अधिक कहां कम ए जिंस मन रखिबो लगे आउ ए जिंस मन रखियो तुम असुविधा है तो इजीली एक्सप्लेन कर या सब बड़े रिलेशन बड़ा मन रखियो हला बोले तो आ बाकी हम बोले नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम बोले तो आज ये पे देखी था।